वीरजीव वोरा 17वीं सदी में एक ऐसा नाम था जो उस दौर में देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। सूरत में जन्मे वीरजीव वोरा के पास उस समय 80 लाख सोने की अशर्फियां थीं, जिनकी कीमत आज के समय में अरबों में होती। सूरत के व्यापारी वीरजीव वोरा को ब्रिटिश हुकूमत मर्चेंट प्रिंस के नाम से बुलाती थी। इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को उस जमाने में खूब सारा कर्जा दिया था। वेल दोस्तों, आज के वीडियो में हम वीरजी वोरा के बारे में ही बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे उस दौर के सबसे अमीर व्यापारी वीरजी वोरा ने अंग्रेजों का जीना मुश्किल कर दिया था। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, हम ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स पर वीडियोस लाते रहते हैं। वीरजी वोरा का जन्म सन 1590 में सूरत में एक अमीर परिवार में हुआ था। इनकी पढ़ाई लिखाई भी सूरत में रहकर हुई। जैन परिवार में जन्मे वीरजी वोरा का उस जमाने में एक विशाल साम्राज्य फैला हुआ था। इनके पास एक यूनिक तरह की मोनोपोली हुआ करती थी, जिनके जरिए वीरजी गुजरात ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी विरासत को फैला चुके थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी थी, उस वक्त सिर्फ एक ही आदमी था जिसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने अनेकों मुश्किलें खड़ी कर दी थी। यही कारण है कि अंग्रेजी हुकूमत इनके सामने अपने कायदे कानून नहीं लगा पाती थी। थाईलैंड, इजिप्ट, पर्शिया, श्रीलंका, सऊदी अरब, रोम जैसे कई देशों में भी वीरजी वोरा ने अपना साम्राज्य फैला रखा था। इन देशों में इनके नोट एक्सचेंज से जुड़े अनेकों बिजनेस चलते थे। इन बिजनेसेस को संभालने के लिए हजारों एजेंट वीरजी वोरा के लिए काम करते थे। इसके अलावा इनके पास उस जमाने में कई मशहूर बंदरगाह भी थे। कहा जाता है उस समय मसालों का व्यापार इनके इर्द गिर्द ही घूमता था। इनके बिना पूरे दक्षिण भारत में कोई भी व्यापारी किसानों से मसाला नहीं खरीद सकता था। एक बार थाईलैंड के व्यापारियों ने दक्षिण भारत के किसानों से काली मिर्च और बाकी मसाले खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन जब इस बात की भनक वीरजी वोरा को लगी तो उन्होंने एक बार में ही भारी कीमतों पर दक्षिण भारत के सभी किसानों के मसाले खरीद लिए थे। वीरजी वोरा कितने पावरफुल आदमी थे, इस बात को जानने के लिए हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। दरअसल एक बार ब्रिटिश हुकूमत और वीरजी वोरा के बीच कुछ नोकझोंक हो गई थी, जिसके बाद ज़्यादातर लोगों ने मान लिया था कि अब इनका मसालों का बिजनेस ठप हो जाएगा। लेकिन जब वीरजी वोरा ने इंटरनेशनल लेवल पर खुद के पानी के जहाज़ों से मसालों का व्यापार शुरू किया तो हर कोई हैरान रह गया। खास बात ये थी कि वीरजी वोरा ने अंग्रेजों को दरकिनार करके ये काम किया था। ये वही वक्त था जब कोई ऐसा आदमी था जो अंग्रेज़ों को सीधे टक्कर दे सकता था। इतना ही नहीं, वीरजी वोरा ने मुगलिया सल्तनत को भी सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बार औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान ने शिवाजी महाराज के इलाके में चढ़ाई कर दी थी और वहां अपने सैनिकों के साथ 3 साल तक लूटपाट करता रहा। लेकिन जब इस बात की भनक वीरजी वोरा को लगी तो इन्होंने अपनी सेना के साथ मिलकर शाइस्ता खान को अच्छा सबक सिखाया था। इसके बाद तो मानो मुगलों में इनके लिए सम्मान ही जाग गया हो। इस दौर में वीरजी वोरा एक ऐसे व्यापारी थे जो मुगलिया सल्तनत के सुल्तान से कभी भी मिल सकते थे। कहा जाता है उस जमाने में वीरजी के महलों पर भी खूब हमले हुए थे। एक बार तो मराठाओं ने वीरजी वोरा के आलिशान आशियानों पर ही जोरदार हमला बोल दिया था, तो वीरजी को इससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, मराठा सैनिकों ने वीरजी वोरा के गोदामों को भी ध्वस्त कर दिया था। माना जाता है इस दौरान वीरजी वोरा को करीब 50,000 पाउंड का नुकसान हुआ। इसकी वजह बताई जाती है कि वीरजी वोरा ने मराठों को स्वराज्य मूवमेंट का सपोर्ट नहीं किया, तो मराठा सैनिकों ने वीरजी वोरा का सारा धन लूट लिया और लूटे गए पैसों से ही स्वराज्य आंदोलन को बढ़ाने का काम किया था। माना जाता है कि इनकी मृत्यु 1675 में हुई थी, वहीं कहीं जगह लिखा गया है कि इनकी मृत्यु 1670 में हुई। कहना गलत नहीं कि वीर जी जितने साल जीवित रहे उतने साल इनका जबरदस्त दबदबा अंग्रेजों और मुगलों में रहा। तो दोस्तों, ये थी 17वीं सदी के सबसे अमीर व्यापारी वीरजी वोरा की इंटरेस्टिंग कहानी, जिनको आज भी इनके पराक्रमों के कारण याद किया जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।